जब चाजी बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एजाज वारिस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे अच्छे होंगे। चिल्टन लाइफ प्रेजेंट्स यारों का यार डॉक्टर एजाज वारिस, और आज पहली बार मेरी गरम गरम चाय भी मेरे साथ है एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि हालांकि समर्स हैं लेकिन स्टिल यू नो चाय की जब एडिक्शन होती है ना तो आपको हर पल चाय मज़े की लगती है। मेरी चाय मेरे साथ है, मेरे बिस्किट्स मेरे साथ हैं और मेरी आज की खास दोस्त मेरे साथ है, तो ये है यारों का यार डॉक्टर एजाज वारिस। आगे जो हमारी स्टार यहाँ पर ज्वाइन कर रही हैं, शी इज़ अ सुपर स्टार ऑफ हर फील्ड, इंटरनेशनल ब्यूटी एक्सपर्टीज हैं, दुबई से आजकल विजिट पे हैं पाकिस्तान के, तो आई थॉट कि ये मौके बार बार नहीं आते बिकॉज शी इज़ द बेस्ट इन व्हाट शी डज। और बहुत सारे लोग उनकी तरफ देखते हैं कि यार हमने इन जैसा काम करना है, और जब वो ब्यूटी की बात करती हैं, एक्सपर्टीज की बात करती हैं, तो बहुत सारी बॉलीवुड लॉलीवुड और ड्रामों के हमारे और कई सुपरस्टार्स को वो चेहरों को वो सवार चुकी हैं, और कहते हैं जब इनका ब्रश लगता है ना कहीं पर तो काले नू गोरा थे गोरे नू चन वर्गा हो जाता है, यू नो इट्स लाइक दिस वन। सो लेट्स हैव द ग्रेट ब्यूटिशियन, द ग्रेट मेकअप एक्सपर्टीज, द ब्यूटी एक्सपर्टीज एंड इवन द स्टाइल आइकॉन आई मस्ट से अबीहा मामून हमारे साथ हैं, शी इज द बेस्ट, लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। कोई अच्छा सा बैठा मेरा गेस्ट मेरा, तो मैं थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता हूं। दैट वाज सो स्वीट ऑफ। और कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ इज योर पाकिस्तान यात्रा गोइंग ऑन? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को लगता है मैं बड़ी पसंद आ गई हूं। फ्लाइट्स लाइक रॉकिंग है अभी। बस अल्हम्दुलिल्लाह। बट डू यू मिस दुबई? आई डू। अरे ऐसा क्या है कि जब लोग वहां रहते हैं काम करते हैं तो वो यहाँ आते हैं, मैं कहते हैं कि वो जो एक है ना मज़ेदार चीज़ मिस करते हैं। सी आई बिलीव हमारी लाइफ इन दुबई इज़ वेरी प्रॉपरली सेटल्ड, लाइक यू नो हम लोगों के टाइमिंग्स एंड वी फॉलो अ सेम सर्टेन रूटीन, और अ पर्सन लाइक मी हु इज़ नॉट अ वेरी बिग सोशलाइट और गॉसिप क्वीन काइंड ऑफ, तो मुझे ना अपना अपनी सराउंडिंग्स अपना एरिया पसंद exactly. होता है, अपनी लाइफ सर्टेन, यहाँ पे इट्स लिटिल डिफरेंट है ना। ओह माय गॉड, सही बात है। लेकिन अभी हाँ आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप पाकिस्तान को इतना अच्छा रिप्रेजेंट कर रही हैं बाहर, इट्स टू गुड एक्चुअली टू सी यू देयर वर्किंग। अगर थोड़ा बताएं अपने बारे में हमें, हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनको, कि हु इज अभी एक्चुअली? I'm as a person, I'm a very very hardworking person. I'm a mother of two boys. Nice. My elder son is around 13 and a half and the younger one is 7 and a half. I got married in a very early age, around 19 years. So my husband and we all live in Dubai together. I started my career off in 2017 as a makeup artist. Ab kaha chale, ab family to ab ho gaye, bache bade ho gaye. So let's do the things out. Right? Yeah, नहीं जी पहले भी काम करती थी। I've always been very workaholic kind of. जब से I was 16 भी, तो जब पहली दफा मैट्रिक के एग्जाम्स के बाद छुट्टी आई थी तो तब भी मैं इंटर्नशिप पे लाजवंती चली गई थी। So मतलब I always wanted to work वाला सीन था। मेरी फैमिली में मेरी बहन ने कभी भी नहीं काम किया, हम लोग I don't believe belong to a family जहाँ पे लड़कियाँ काम करती हैं normally। So I was very enthusiastic हमेशा से, very hardworking। फिर first to pehle I was working as a school teacher in Pakistan, I was one of I was teaching in Lahore, and I'm sure aap bahut achhi teacher hongi students, hello wo sare log kaam kar rahe hain na, ha ji mere abhi bhi students mere Facebook, main to aap dekh ke bata dun ki aap wo aapke fans honge sare, to bas uske baad when I went to Dubai I started my career off as a teacher only, but I was not very happy, bahut difficult tha wahan pe teaching karna, aapko bolte hain multinational hai, matlab usme अरबिक, इंडियन, पाकिस्तानी और भी सारे। अरबियों को सिर्फ अरबी संभाल सकते। अरब्स आर वेरी स्टबर्न चिल्ड्रन, तो फिर मैंने अपनी सर्टिफिकेशन शुरू की वहाँ पे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक वाज वेरी काइंड, देखते देखते 2017 में मैंने अपनी सर्टिफिकेशन ख़त्म की थी, 2000 नवंबर में आई वॉन द यूएई मेकअप चैम्पियनशिप। क्या बात है। तो बस अल्लाह पाक ने रास्ते बनाते रहे, रास्ते बनाते रहे। अब बताए ना, अब हमारे गेस्ट हैं आज चिल्टन प्योर का, एक हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं एंड वी बिलीव इन द बेस्ट, हम जो चीज़ लेकर आते हैं हम दिखाते हैं लोगों को कि आज कोरोना शुक्र है फेड आउट हो रहा है और केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, बट वी बिलीव के
ऑर्गेनिक केमिकल्स केमिकल फ्री सॉरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमेशा चीजों को एनलाइटन रखते हैं. एब्सोल्युटली है ना, जरूरी है. तो हाउ आर यू हेल्थ, कितनी हेल्थ कॉन्शियस हैं आप? काफी प्रोडक्ट कॉन्शियस. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय प्रोडक्ट्स एंड नॉट फॉर माय ओनली स्किन, आल्सो फॉर माय किड्स, माय पेरेंट्स आल्सो. मतलब मेरा फ्री टाइम में आई वुड रादर पुट अ मास्क ऑन माय फेस एंड माय सन्स फेस एंड बिकॉज़ ही इज ग्रोइंग अप, ही इज 13 एंड अ हाफ, तो उनको पिंपल्स भी होते हैं और ये भी चीज़ें. तो अब मेरा जो बेटा इब्राहिम है उसके लिए प्रॉपर स्किन केयर रेंज लाती हूँ उसके लिए. उसका फेस वॉश है, उसका फेस स्क्रब है. अगर आप जैसी सब मदर हो तो क्या बात, बच्चे लेकिन लेकिन आप देखें ना, गलत हमारी बच्चों के बीच में गलत कॉन्सेप्ट होता है कि लड़कियों को ये करने की ज़रूरत है. ये स्किन केयर लड़कों को भी करने की ज़रूरत है. आप प्रॉपर क्लिनजिंग कर लो. मैं ये नहीं कहती कि बहुत एक्सट्रीम पर चले जाओ, लेकिन अगर क्लिनजिंग करते हैं या फेस वॉश यूज़ करते हैं या मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, एवरीबॉडी नीड्स. हाँ सही कह रहे, बिल्कुल. तो हाउ वाज द बॉलीवुड एक्सपीरियंस, बताइए ना. स्टार्स बॉलीवुड एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग, इट वाज वेरी गुड. आई वर्क विद, कैसे हैं ये स्टार्स? बहुत अच्छे. नखरे तो नहीं इनके ज़्यादा? नहीं नखरे तो नहीं एग्जैक्टली है, इतना हद तो बनता है. देखिए नहीं आपको बताऊँ, मुझे कभी किसी ने नखरे नहीं दिखाए. मुझे हमारे पाकिस्तानी स्टार्स ने ज़्यादा इंतज़ार कराए देन बॉलीवुड के ने. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने बॉलीवुड और जितने अपने पाकिस्तानी स्टार्स के साथ भी, अरब्स के साथ भी काम किए, आई हैव मेड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम. सही, सही. लॉन्ग लास्टिंग. सो क्या डिफरेंस लगा आपको वहाँ और यहाँ के टीम में रिगार्ड मेकअप? दे आर वेरी बोल्ड विद मेकअप. आजकल हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड है नो मेकअप ट्रेंड के करना, साउथ जिसमें होता सारा कुछ है बट वेरी वेरी लाइट, वेरी वेरी लाइट. लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्टार्स दे गो फॉर डार्कर लिपस्टिक्स या स्मज्ड आईलाइनर. दुबई इंडिया में दे लाइक डार्कर आईज, डार्कर लिप्स, स्ट्रॉन्ग कंटूर, ये सारा कुछ वो लोग करते हैं. दे लाइक टू प्ले विद कलर्स, इवन कलर्स के साथ ना नॉर्मल शूज के लिए भी उन्हें वो चीता प्रिंट्स के कलर्स और ये सारी चीज़ें सोची होती हैं कि लेट्स पे. हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट आर नॉट दैट एक्सप्लोरिंग. वो नहीं, वो एक ही, वो लकीर के फकीर एक ही चीज़ को माते रहेंगे. तो फिर यहाँ का बताएं, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? उसके कौन कौन से स्टार्स आपके ब्रश के आ गए हैं उसके उसमें? पाकिस्तानी पाकिस्तानी में मेहबूश हयात, मंशा पाशा, उष्णा शाह, मोहम्मद शेख, सोनिया हुसैन, शर्रा मुनव्वर, अली जफर, जैद अली. क्वाइट एन इंप्रेसिव सीवी. बहुत सारे यहाँ भी बहुत सारे हैं. लेकिन सबसे प्यारी या प्यारा कौन है? आयशा खान बहुत प्यारी हैं, लेकिन मुझे इन सबके साथ काम करने में सच्ची बोलूँ तो बहुत मज़ा है. मुझे उष्णा के साथ और मंशा के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है. मंशा के साथ यू नो एक वो आपकी कुछ लोग होते हैं जो आपको क्लिक कर जाते हैं, इट वेरी फन एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम. इवन सोनिया के साथ भी अच्छा रहा हुआ. अली जफर के साथ काम करने में आपको बहुत मज़ा आता है. अदनान सिद्दीकी है, अदनान सिद्दीकी, वकार ज़फर, इन सबके साथ मैंने काम किया. पीसा अवार्ड्स में आई वाज द मेकअप आर्टिस्ट स्पॉन्सर. ओह वाओ, दैट्स परफेक्ट, परफेक्ट. काफी अच्छा काम हो रहा है. अच्छा मुझे बताइए कि डू यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल वर्किंग इन दुबई बिकॉज वहाँ पर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल. देखें देखें ना, अब मुकाबले का दौर है, बिल्कुल ऐसे कंपटीशन है, इंटरनेशनल अब लेवल पे गेम चलेगी और मीडिया ने ना आंखें सबकी खोल दी हैं. जी बिल्कुल ऐसे ही है. और अनफॉर्चुनेटली मैंने एक चीज़ पाकिस्तान में देखी है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वी डोंट हैव नेगेटिव मीडिया इन दुबई. यू कैन नॉट राइट एनीथिंग नेगेटिव अबाउट एनीबडी एनीथिंग. मतलब दे विल बी अ बिग मेस फॉर देम. डिपोर्टेशन तक आ सकती है, 3 से 6 महीने जेल हो सकती है. मतलब दिस इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे कोई रूल्स नहीं है. कोई भी ब्लॉगर, कोई भी आर्टिस्ट को किसी को भी डिग्रेड कर रहा होता है एंड विच इज़ वेरी वेरी सैड. ये मैंने देखा है. रहने दुबई में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम काफ़ी रोशन किया है बिकॉज बींग द ओनली. कितने ऐसे शूट्स हैं अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो तो वहाँ पर इतने ऐसे गाने हैं जिसमें पूरा क्रू इंडिया का था, सिर्फ एक चौथी मैं पाकिस्तानी हूँ यहाँ पे. और मेरी टीम में इतने लोग हैं जो इंडियंस हैं. Exactly. और मतलब आप देखो ऐसे भी है कि जब कोई बड़ा आर्टिस्ट दुबई आ रहा होता है और उससे पूछा जाता, वो पूछता है आगे अपने फ्रेंड्स और उनसे कि
बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का नाम बताओ तो वो फिर मेरा नाम रिकमेंड करते हैं. सो दिस इज लाइक अ वेरी प्लस वाला सीन दैट फिर वहाँ से कॉल भी आती है, अच्छा इसको एक्सेप्ट कर लेना प्लीज, हमने रेफर किया इनको. एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने ऐसा आपको शो से पहले भी बताया था कि आई पिक एंड चूज माय प्रोजेक्ट्स, मैं ऐसे नहीं होता कि हर प्रोजेक्ट में जंप इन कर सकता. बिल्कुल पापा, ये अटायर बहुत ही एक आला अटायर होता है, ये सारा खुद ही करती हैं अपने अपना स्टाइलिंग जी. हाँ, खुद ही करती हैं, मुझे लग रहा था खुद ही आप चलती हैं, खुद ही करती हैं. आई लाइक आई मीन टू आजकल तो बहुत ज़्यादा मैचिंग सेपरेट्स में मैं हूँ. एग्जैक्टली, बट वैसे भी आई फील के बहुत एलिगेंट भी लगते हैं, यू लुक स्टाइलिश एंड देन यू कंफर्टेबल. या एग्जैक्टली, जो आपको ईज पे लेके जाए. सही है. तो हु आर योर फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटिशियन? My favorite makeup artist, I always like Musarrat Khala, Musarrat Misbah as person. मैं इतनी सी होती थी जब मैं उनके सलून जाती थी अपने हेयर कट्स वगैरह के लिए, तो आई यूज टू कॉल हर खाला. सो Musarrat Misbah हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस अगर हम पाकिस्तान मीडिया की तरफ देखें. बाकी तो आई ऑनेस्टली नॉट लुक्ड अप टू एनीबडी, बट पाकिस्तानी में शी रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन अ वेरी हमारे स्टार सारे ही बहुत प्यारे हैं वैसे मैं आपको बोलूँ, और नॉन सर्जिकल प्यारे. हाँ जी, क्योंकि आपको ये बोलूँ बताऊँ साथ में कि बाकी नॉट टेकिंग नेम्स, बाकी कंट्रीज के जो हम स्टार्स इनके साथ मेकअप करते हैं उनके बोटॉक्स फिलर्स लिप फिलर्स चीन जॉ लाइंस एवरीथिंग इज डन. तो हमारी बहुत सारी ऐसी स्टार्स हैं जिनके मुंह पे एक भी इंजेक्शन नहीं लगा. सो उष्णा कैरीज मेकअप एंड हर आउटफिट्स वेरी वेल. महविश हयात डज बहुत अच्छा कैरेक्टर. वैसे तो सारी मंशा पाशा हो गई या फिर सोनिया हुसैन हो गई, दे आर वेरी एलिगेंट वूमेन. सारा खान और नूर खान जो दो बहन हैं वो इतनी प्यारी हैं दोनों. अलग जी बिल्कुल बिल्कुल. ये भी आई हुई थी ना दुबई, इनका भी मेकअप हम लोगों ने किया था. ओके, ऐसे करते हैं कि अब आपको बुलवाते हैं आज की प्रोडक्ट ऑफ द डे के साथ. और आज मेरे पास जो मेहंदी वाला पाउडर है वो है हमारा हिना पाउडर. देखिए ना, अब मैं सोचता हूँ कि चिल्टन प्योर ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, मतलब हनी से शुरू करें आप, कई ऑयल्स पे आ जाएं और क्रीम्स पे आ जाएं, नाउ दिस इज़ हिना पाउडर. वैसे तो हिना बहुत तरह की मिलती है मार्केट में, लेकिन जो हमारे हिना है हम गारंटी कहते हैं कि 100% हिना है. ख़ासतौर पर अगर आप देखिए मेहंदी तो लगाते हैं, लेकिन अगर आपने हेयर डाई करनी है उसके लिए भी ये मेहंदी बहुत अच्छी है. क्योंकि आजकल जो मेहंदियाँ मिलती हैं उनमें भी डाइज मिले होते हैं केमिकल्स, ये हम गारंटी देते हैं इट्स 100% हिना. तो ट्राई कीजिए, जो एड्रेस लिखा आ रहा है वहाँ वेबसाइट पर जाइए लेकिन ऑर्डर कीजिए और यू विल गेट फुल रिजल्ट्स, डोंट यू वरी अबाउट इट. ठीक है, और फिलहाल रैपिड फायर राउंड हो जाए आपके साथ. रेडी हम जी. ओके, इफ यू कुड बी एनी फ्रूट, कौन सा फ्रूट होती है? अनार. अनार, हेल्दी. या नाइस चॉइस भी आपने हेल्दी लिया. इफ यू कुड बी एनी वेजिटेबल? क्यूकम्बर. क्यूकम्बर. व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट समर एक्टिविटी? स्विमिंग. ओके नाइस. Your favorite part, your favorite part in Lahore? Mama's house. Oh yeah. मैं आती माँ के घर के लिए अपने. सही बात है, मतलब एक्सपीरियंस होता है. और ढेर सारा खाना. हाँ सही बात है. Favorite food in Lahore? निहारी. निहारी, nice. अच्छा, if you could go anywhere in the world, कहाँ जाना चाहेंगे आप? दुबई के अलावा. कहाँ जाना चाहूँगी? हरम पाक. Oh yes. बिल्कुल ठीक. योर फेवरेट हॉबी? स्लीपिंग. या नाइस. वन थिंग दैट अनॉयज यू द मोस्ट? बैकस्टैबर्स. बिल्कुल सही बात है. हाय हाउ आर यू और फिर हु पता ही आपको. और यहाँ पे तो काफी कॉमन है ना. योर वन फेवरेट पर्सन इन द फैमिली? माय फैमिली. आई लव माय फैमिली. होल फैमिली. हाँ, एक को से करना मुश्किल है. सही है, मुश्किल है लेकिन टॉप लिस्ट किसका बोल. हाँ सारे ही हैं. सही है, कुछ टॉप लिस्ट पे आ रहा था, कौन थे वो? पापा मम्मा. ओके यार, आई एम ऑब्सेस्ड विद देम. सही है. इफ यू कुड टॉक इन योर स्लीप व्हाट वुड यू से? नहीं करनी बात, बड़ा कुछ कहूंगी. सही है, जबरदस्त हो गया. फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग? आई चेक माय फोन.
हाँ वो मैं भी वीक करता हूँ, पहले फोन देखता हूँ कितने लाइक्स आए कितने डिसलाइक, लाइक डिसलाइक कर लेता हूँ, सबसे पहले व्हाट्सएप चेक कर रहा था हां कौन हो गया, हां कौन कौन मैसेज आया हुआ। अच्छा इफ यू कुड गेट एनीथिंग फॉर योरसेल्फ व्हाट वुड यू गेट? अ Porsche 911 Carrera। आला क्या बात है आपकी। अगर आपको इनविजिबल कर दें आप कहां जाना चाहेंगे? अच्छा सवाल है, मेरा इमरान खान के पास एक दिन के लिए। गाना बताया ना हम दोनों ना वो कौन सा बचपन में जब न्यूली लव बर्ड्स के गाने सुनते थे साथिया तूने क्या किया ऐसे गाना आता है आपको? नहीं कभी नहीं सुनेगा भी मत, आई एम नॉट इवन अ बाथरूम सिंगर। ओके सही है। अगर आप कोई और काम चूज करती लाइफ में तो कौन सा काम होता? टीचिंग। द बेस्ट वन थी आई एम श्योर। वन थिंग यू आर अफ्रेड ऑफ? लूजिंग माय पेरेंट्स। नाइस। Most interesting thing in your bag right now? Couple of nasal sprays. Allah. I have couple of nasal sprays right now. I have quite many things in my bag as well. Lipsticks hoti hai, mascara hota hai, perfume hota hai. Kaafi kuch hota hai. What is the meanest thing you have ever said to someone? I'm very mean. I'm a very blunt person. I don't think I just say it. मैं दिल में नहीं रखती बात। ओके बेस्ट मेकअप यू हैव एवर डन टिल नाउ? आई डिड उर्वशी राउटेलास मेकअप अभी व्हेन शी केम फॉर वी टू प्रमोट अ सॉन्ग, आई डिड अ स्मोकी एज एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ, शी वाज लुकिंग सो नाइस। बाबा की वैसे मुझे अपने सारे मेकअप बड़े डन हो गया। एंड लास्ट थिंग, ये ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 कितनी कूल हैं आप बताएं? 10। आप तो देखिए मैंने आपको देखिए मैं तो जब से मिला हूँ आज से मैं आपका फैन हो चुका हूँ। थैंक यू। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, वाइब्रेंट और ट्रू हो, वो फेक ना हो, है ना, जो है बस वो कह दें। अगर आपको मैं पसंद नहीं आती है नहीं जाती अच्छा नहीं है, वो अच्छे लगते हैं। ऐसे ही होना चाहिए। लाइफ इज टू शॉर्ट टू अनप्रेडिक्टेबल। आई फील कि जो दिल में है वो मुंह पे होना चाहिए। गेम्स मत खेलें एक दूसरे के साथ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना के टाइम में भी लोग नहीं सीखे कि लाइफ इज टू शॉर्ट एंड अनप्रेडिक्टेबल। प्लीज वेक अप कॉल है ये सारे, बी व्हाट यू आर। आपने किसी को देखें किसी के साथ गेम करके से बहुत बेहतर है आप अपने रिश्ते चेंज अपने रास्ते चेंज कर लें। एंड सेकेंडली यू नॉट आंसरेबल टू एनीवन। आपको जो नहीं अच्छा लगता जिसके पास से आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती दे आर नॉट सपोज टू स्टे इन योर लाइफ। सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। आप फेवरेट कलर कौन सा आपका? बेस्ट लगता है आपको? और फेवरेट फूड? फूड में आप बता सकते हैं ऑल टाइम आई एम मोर ऑफ अ देसी पर्सन, लाइक मुझे दाल चावल निहारी रोटी इस तरह की चीज़ें दाल चावल है ना मुझे जो है वो बर्गर पिज्जा थोड़े से हाँ मंदी दुबई में मुझे पसंद है। बट उसके अलावा और हॉबीज क्या क्या आपके? हॉबीज मोस्टली मेकअप इज व्हाट आई नेटफ्लिक्स करती हूँ। मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत रिसर्च करती हूँ, रीडिंग करती हूँ। एंड अब तो लेटेस्ट एक नई हॉबी बनी है नए कपड़े स्टाइल्स ट्राई करना, बिकॉज पाकिस्तान में आके मैंने रियलाइज किया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है ना, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। बट मैं आपको बताऊं वेरी टैलेंटेड डिजाइनर्स। या एग्जैक्टली, वो तो मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा आपके नजदीक प्यार क्या है? प्यार क्या है? प्यार लव इज एवरीथिंग आई बिलीव। अगर आपको ये स्पाउस की या ये आपके पार्टनर की या पेरेंट्स की भी या आपके पास ये सपोर्ट है ना, ये आप अंदर से खुश हैं तो आप किसी भी चीज़ को टू द फुलेस्ट कर सकते हैं। हेटर्स कितने हैं आपके? कोई भी नहीं है, इन द बेस्ट थिंग है फिर। कोई भी नहीं, मैंने आज तक कभी किसी को मुझे मीम मैसेज करते नहीं सुना। आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख लें, कहीं पे किसी ने कभी किसी ने कोई मीन मैसेज नहीं किया। शायद एक दफ़ा मुझे मेरी ऑनलाइन वीडियो लाइव वीडियो में एक लड़की ने गाली दी थी, मैंने उसको वापस गाली दे दी थी लाइव में, उसके बाद कभी किसी ने नहीं दी। क्या बात है आपकी, आला है आप। तो ऐसा करते हैं कि अब आपको हम कुछ गिफ्ट दें,
आप इतने प्यार से हमारे शो में आई हैं, हमने आपको रिक्वेस्ट की, आपने इस वक्त हमारी एक्सेप्ट कर ली। सो एक तो हेल्थ बॉक्स बनता है ना, मजेदार सा। चिल्टन प्योर प्रेजेंट्स द हेल्थ बॉक्स, टन-टन-टन, और ये आपके पास जाएगा, आपकी जो खूबसूरती है उसको और निखार रहे ये टिपिकल मैंने तो आप बस यूज कीजिएगा और हमें याद कीजिएगा। हाँ बस ये भी आपको इंशाल्लाह मिलेंगे, अच्छे जबरदस्त हो गया, क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मजा आया आपको अपने शो में पाकर, एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट ऑफ कमिंग हियर। सो एनी पैगाम, एनी मैसेज फॉर द पीपल प्लस चिल्ड्रन प्योर आल्सो, Don't forget to order your packets first of all, very important. और मैं भी अपने पेज पे इसका रिव्यू जरूर करूंगी। And secondly, please follow your dreams. Don't get into negativity. Positive रहें, positive life को गुजारें. Life is too short, too unpredictable. अच्छा अच्छा करें इस लोगों के साथ. You never know what people are going through. So be nice, be respectful, and be happy. Thank you so much for coming. बहुत शुक्रिया। अच्छा ये था आज का शो, उम्मीद करते हैं आपने अभिया की बातें इंजॉय की होंगी। अभिया ऐसी ही हैं, सच्ची और खरी, और कमाल बातें करती हैं, कमाल दिखती हैं, बिकॉज शी इज़ द बेस्ट। सो नेक्स्ट शो तक वेट कीजिएगा किसके साथ मैं आऊँगा, ठीक है ना। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। कीप यूजिंग चिल्टन प्योर प्रोडक्ट्स बिकॉज ये प्योर हैं और आपके लिए हैं। अगर आपने कुछ ऑर्डर करना है तो जाइए हमारी साइट पर, जाके लिख लीजिए, ऑर्डर कीजिए, और यू विल गेट एवरीथिंग यू वॉन्ट In your hands. Till next time, Allah Hafiz. जब चाची बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं।